मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। और मौसम जो है लुका छुपी वाला गेम खेल रहा है आज भाई, कता डाक टंडा है। 9 डिग्री टेम्परेचर, सुबह 7 था, अभी 9 है, और एकदम मध्यम सी धूप निकली हुई है, एकदम जरा सी, पता नहीं क्या ही चल रहा है मौसम के साथ। तो फिलहाल काफी ठंडा है, अब जा रहे हैं बस, हम भी स्वेटर वेटर पहनने हैं। हम नाश्ते की तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं अपना दिन। बनाई है पतिदेव ने, और क्या शानदार चाय बनाई है। ये चाय सच में बहुत अच्छी बनाते हैं। आ गया शिवाय का नाश्ता, और शिवाय के नाश्ते में ये मस्त रागी, और इसमें मैंने डाला है बढ़िया सा देसी घी, घर का बना हुआ। और रागी के बेनिफिट्स तो मैं आपको क्या ही बताऊं, चलो बता ही देती हूँ, कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। रागी के बतेरे बेनिफिट्स हैं, और स्पेशली वैसे तो बड़े लोगों के लिए बहुत से बेनिफिट्स हैं, बट मैं सिर्फ बच्चे के लिए बता रही हूँ आपको, कि रागी में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो कि बच्चों की बोन्स के लिए काफ़ी बढ़िया होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसको जितना भी आप कंज्यूम करोगे आपके बच्चे को कूल और रिलैक्स रखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, और जैसे शिवाय एग नहीं खाता है और नॉनवेज हम अभी देते नहीं उसे, तो इसमें इतना प्रोटीन होता है कि सफिशिएंट प्रोटीन इसके इसको मिल जाता है, और हेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यू मदर्स हैं जो अपने बेबी को फीड करा रही हैं, उनके लिए रागी बहुत अच्छा है। आप रागी के डोसे बना लीजिए या चीला बना लीजिए, उससे क्या होता है कि मिल्क प्रोडक्टिविटी बॉडी में बढ़ती है, तो आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड कर पाओगे। और कैंसर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो प्रिवेंट करता है कैंसर से लड़ने के लिए। और एक और अच्छी चीज़ है, डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और अगर बड़े लोगों की बात करूँ तो डायबिटीज से फाइट करने के लिए भी रागी बहुत अच्छा होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और तो आप उसको, अगर वो 6 मंथ प्लस है तो आप उसको अभी से रागी देना शुरू कर दीजिए। मैंने इसको मुझे याद है 6 महीने से मैंने इसको रागी देना शुरू कर दिया था। पहले मैं एकदम हाफ स्पून घोल करके पानी में गर्म गर्म करती थी और फिर देती थी इसको, बट अब मैं इसको 2 बड़े बड़े स्कूप रागी का बना के देती हूँ। तो आप जरूर ट्राई करना, और रेसिपी अगर पूछनी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसकी रेसिपी बता दूंगी, प्रीवियस ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो शिवाय की ब्लॉगिंग हो गई है डन। हाँ हो तो गई है ब्लॉगिंग डन, अब नहीं बस, अब मम्मा फूड बनाएगी। तो मम्मा जा रही है फूड बनाने, और शिवाय फूड खा चुके हैं, हम भी नाश्ता कर चुके हैं, तो फाइनली जो इम्पोर्टेंट काम है वो हो चुके हैं खत्म। अब फटाफट खाएंगे, बनाएंगे हम खाना। ओ बल्ले बल्ले, ओ नो 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 नो, डोंट शो योर टमी, व्हाई आर यू शोइंग योर टमी। बालकनी में हो रहा है पेंट, पूरा पेंट हो चुका था सोसाइटी में, बस बालकनी वगैरह पेंट होने को रह गई है, तो वही पेंटिंग शेंटिंग चल रही है। इसके बाद हमारी पूरी सोसाइटी एकदम नई हो जाएगी। हमारी पूरी कॉरिडोर में सफाई हो रही है, इससे सारे लोग लगे हुए हैं सफाई करने में। आज कुछ स्पेशल है क्या? अच्छा ऐसे ही हो रही है, वैसे तो नॉर्मल भैया लगाते हैं पोछा, बट आज मशीन से हो रहा है। सोसाइटी में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट था वो चेंज होंगे, कोई दूसरा प्रेसिडेंट होगा। जैसे अपने एमएलए वगैरह के इलेक्शंस जो होते हैं वो 5 साल में होते हैं, बट अपने सोसाइटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 1 साल में होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार 1 साल में बंदे को कितना ही समय मिलता है, थोड़ा सा और समय देना चाहिए,
कम एक साल में तो उसको टाइम लगता है चीजें समझने में जानने में, तो यहाँ पे हर साल इलेक्शन होते हैं और हर साल हो सकता है प्रेसिडेंट चेंज हो ना चेंज हो, बट इलेक्शंस हर साल होते हैं, तो वही इलेक्शन की तैयारियां वगैरह चल रही हैं, बताएंगे अगर रहे हम यहाँ तो हम जरूर कवर करेंगे। फिलहाल हम करेंगे अपने खाने की तैयारी और धूप निकल आई है और बहुत ही अच्छी धूप निकली है, देख रहे हैं आप बहुत अच्छी धूप निकल रही है, तो अच्छी बात है। मैंने भी मस्त कपड़े वपड़े डालने धुलने को डाल दिए हैं, अभी वो धुल के सही हो जाएंगे, तो खाने में बनेगी अपनी सोच रहे हैं आलू और गोभी बना लेते हैं सूखी सब्जी, वही बता देते हैं। भैया ने डिमांड करी कि मैडम गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए क्योंकि ठंडी बहुत है, बात सही है ठंडी बहुत है, तो एक कप चाय इनके लिए बना देते हैं और भैया के लिए भी बना देते हैं, इनका भी ऑफिस चल रहा है, खाना हमारा बन चुका है। अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा फ्री होकर के शिवाय को नीचे लेके जाऊं, देखती हूँ टाइम मिला तो लेके जाऊंगी। गर्म गर्म चाय हो चुकी है रेडी, चाय ये रही भैया की चाय, तो नमकीन भी और अदरक वाली गर्म गर्म चाय। भैया ये लीजिए चाय, इधर ही रख दूं, इधर रख दूं, इधर रख देते चाय और शिवाय। क्या व्हाट इज दिस? तो हम और शिवाय जा रहे हैं पार्क, शिवाय आ गए हैं नीचे, पहले देखने जा रहे हैं उनका शूज बन जाए, शूज अपने आप पता नहीं कैसे ओपन हो जाता है, उसका वो जो चिपकाने वाला है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, बन जाए तो ठीक है, और शूज को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। बैठते हैं वो शूज वाले भैया कॉबलर पर, वो बैठे ही नहीं है तो हमें वापस जाना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं थोड़ा बहुत पार्क चलते हैं, वापस से अपना स्कूटर उठाते हैं और धूप में खेलेंगे थोड़ा बहुत शिवाय के साथ। यहाँ स्विमिंग पूल बन गया हमारा क्रिकेट पिच और यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं खेलने में, शिवाय भी यहाँ पे खड़े हुए हैं सबको देख रहे हैं, बैटिंग दो दो बैट्समैन हैं और इधर दो दो बॉलर्स हैं, एक बैट्समैन लाइन लाइन में लगा हुआ है और मस्त धूप निकली हुई है, सब भी यहाँ पे धूप सेकने में लगे हुए हैं, सब इधर बैठे हुए हैं। मम्मा को दो बॉल, वो भाई ये लो। चलो 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 ये देखो, स्वरा दीदी के साथ शिवाय चला रहे हैं साइकिल। और इतनी अच्छी धूप है कि काफी लोग आए हुए हैं धूप सेकने के लिए, शिवाय मस्त पकड़े हुए हैं। खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, शिवाय वहां पे सो गया है, उसको सुला दिया है और ये कुछ 4:30 हो रहा है, तो ये जनाब गए हुए हैं अपनी जिम, हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करेंगे, सुबह के उठे हुए थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ी देर बाद फिर से वही खाने बनाने में लग जाएंगे, एक नैप ले लेते।
ये देखिए जाओ है चाय पे, तो हम और शाय जा रहे हैं चाय पे। और वैसे भी आज फ्राइडे है, पतिदेव का फिलहाल तो अभी भी ऑफिस चल रहा है, आई डोंट नो वो कब फ्री होंगे। फिलहाल हम तो जा रहे हैं अपनी चाय एंजॉय करने अपने प्रिय मित्र छवि जी के साथ, और शिवाय को भी कंपनी मिल जाएगी अभी के साथ, बहुत टाइम से अभी से मिला नहीं है तो बहुत एक्साइटेड है अभी को लेकर के। ये देखिए भाई साहब ने अपने सारे खिलौने गिरा दिए हैं नीचे, और शिवाय ने आते ही अभी की गाड़ी पकड़ ली है, वो आता ही है सिर्फ अभी की गाड़ी के चक्कर में, बाकी दोनों अगल बगल नहीं भटकेंगे, वो गाड़ी पे बैठ जाएगा अभी मस्त टॉय से खेलेगा। आप दिख गई उसको काऊ, हो सकता आ जाइए काऊ। अरे वाह शेयरिंग हो रही है आज तो, वेरी गुड, ये आज तो शेयर हो रहा है पहली बार। ये हमारी गर्मा गर्म ग्रीन टी, तो छवि सजेस्ट कर रही है इस बिस्किट को इस चीज के साथ डिप करके खाए, अच्छा चीज लेके खाए, तो ये हमारी चीज है। बड़ा है, कुछ यूनिक सा है ना। रोटी बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि सही कह रहे हो, हमारी बहुएं खुश रहेंगी क्योंकि हमारे लड़के रोटी बना रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गोल गोल रोटी कैसे बनानी है। जो आ गए हैं विशाल चाचू के साथ, शिवाय जा रहे हैं घूमने, ये लो चाबी, बाय शिवाय। फ्राइडे को हम निकल चुके हैं कुछ खाने की तलाश में हमेशा की तरह, क्या खाने वाले, माइट बी सम रुमाली रोटीज। सेक्टर 76 और यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं कुछ वेजिटेरियन और कुछ नॉन वेजिटेरियन। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर करी अचारी चाप, तो इसका टेस्ट खा के बताते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया टेस्ट इसका, वाकई बहुत अच्छा है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। और वैसे भी इधर नोएडा और दिल्ली साइड में आपको बहुत अच्छी चाप मिल जाएगी क्योंकि ये डिश इस तरफ ज़्यादा बनती है, तो यहाँ पे आप कहीं भी खाएंगे तो आपको चाप से लेके निराशा नहीं होगी क्योंकि ये लोग अच्छा चाप बनाते हैं। और हमने ऑर्डर किया चिकन टिक्का और रुमाली रोटी, सॉफ्ट जूसी कैसा सिद्धार्थ जी बताएं, अच्छा। शॉप का नाम है पायनियर फूड करके, सब मेरे पीछे, और खाना यकीन मानिए बहुत अच्छा था। हमने तीन डिशें ऑर्डर करी थी, चाप और चिकन टिक्का और दो रोटियां, तो सबका टेस्ट ज़बरदस्त था और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल थे, तो इट्स अ गुड प्लेस फॉर नॉन वेजिटेरियन। खाना खा करके हम जा रहे हैं वापस, और आज के दिन का भी हम यहीं पे करेंगे समाप्त। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। बाय।